हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज है संडे। सो संडे के साथ साथ आज है स्पेशल डे, आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ घूमने। देखती हूँ कहाँ कहाँ जा पाऊँगी। क्या हुआ? हाँ बता बता। यहाँ पे देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ तो अभी निकलने वाली हूँ। दोस्त लोग आ चुके हैं। चलो चलो, आप लोग नहीं जाओगे क्या? चलो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वर्षा के घर में, क्योंकि वहाँ पे ममता ऑलरेडी आके वेट कर रहा है हम लोगों का। सो हम लोगों ने सोचा ये लोग हम लोग के घर में आएगा अभी, तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो ये लोग आए नहीं। अभी फ़ोन आया कि वर्षा के यहाँ है, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं इन लोगों से मिलने। सो वहाँ जा के मिलती हूँ आप सभी को। वहीं पर सब दोस्त जमा हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ़ यू, एंड मेरे वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। दोनों डांस करने लग गया है। अब गुरुजी, गुरुजी किधर है? गुरुजी बल्ले 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 बल्ले, देखो एक बाहर एक इधर, इधर देखो। हेलो बोलो। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग निकल चुके हैं वर्षा के घर से। सो यहाँ पे आने के बाद डिसाइड हुआ, सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऑफकोर्स करेंगे शॉपिंग। सो शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं जीटी की तरफ। यहाँ से जीटी जा रहे हैं अभी हम लोग। पहले हम लोग गए थे डब्ल्यूटीपी से जाने के बाद, वहाँ से अंदर जैसे घुसते हैं डब्ल्यूटीपी के अंदर, वहाँ से शॉपिंग करते करते हम लोग को जीटी जाने का टाइम ही नहीं मिला। बड़ा इतना बड़ा है, तो वहाँ से जाने के बाद हम लोग जीटी नहीं जा पाए थे। तो आज हम लोग सोचा आज हम लोग पहले जीटी जाएंगे, उसके बाद में अगर टाइम मिला तो डब्ल्यूटीपी भी होके आएंगे। तो हम लोग चार पांच जगह विजिट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले करना होगा पेट्रोल को फुल। जो गाड़ी में पेट्रोल फुल होगा तो हम लोग पूरा दिन रात तक घूम सकते हैं। एक बार हम लोग घर से निकल गए तो कब लौट के आते हैं कुछ पता ही नहीं चलते हैं, तो हम दोनों ने मिलके किया फुल फुल टैंकी। सो वर्षा आगे चले गए थे, यहाँ पे देख सकते हो वर्षा नहीं है, वर्षा आगे चले गए थे क्योंकि उन लोगों का टैंकी फुल था। तो अभी हम लोगों को ही करवाना था फुल टैंकी। सो फुल टैंकी करने के बाद घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि कब आएँगे रात, दिन में तो ऑफकोर्स नहीं आएँगे, तो रात हो ही जाएगा चार पाँच जगह घूमने के बाद। इसीलिए हम लोगों ने करवाया पेट्रोल फुल। उसके बाद हम लोग निकल गए जीटी की तरफ। सबसे पहले जाएँगे हम लोग जीटी, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाएँगे वहीं से। सो अभी हम लोग निकल गए जीटी की तरफ। पहले गए थे डब्ल्यूटीपी में घूमते घूमते शॉपिंग करते करते हम लोग जीटी नहीं जा पाए थे। तो मैं यहाँ पे जयपुर आने के बाद इतना बार सुन चुकी हूँ मालवीय नगर में जीटी है, जीटी में बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा है। तो आज जाके देखते हैं वहाँ पर कैसा है क्या नहीं। सो ऐड वगैरह भी बहुत सारा आता है जीटी का, तो मैंने बहुत देख लिया था लेकिन कभी नहीं गए थे, तो पता नहीं कैसा है। सो देखते हैं, आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों का जीटी, जीटी में जाके शॉपिंग करना कितना अच्छा है, कितना नहीं, कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है, कितना फैशनेबल जगह है। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग पे लिया है वो भी मैं बता दूंगी आपको बाद में। सो यहाँ पे अभी हम लोग सीधा जाएंगे जीटी की तरफ। सो गाइस, जब भी मैं ब्लॉगिंग करती थी तो फ्रंट कैमरा से करती थी, तो आज से मैं सीख रही हूँ कि मैं बैक कैमरा से ब्लॉगिंग करूँ। सो इसलिए मैं होल्ड कर रही हूँ बैक कैमरा से, पता नहीं कैसा आएगा बोल के कर रही थी उस वक्त, लेकिन घर पे आके दिखा तो वाव, पीछे के कैमरा से तो इतना मस्त आता है। लेकिन देख सकते हो जब भी मैं फ्रंट कैमरा से करती थी तो या तो मैं अपना ही शक्ल दिखाती थी, या तो पीछे
वाला फ्रंट से बैक से करती थी तो सिर्फ पीछे वाला दिखाती थी, मैं अपने आप को नहीं दिखा पाती थी। तो यहाँ पे मैंने कैमरा होल्ड करना सीख लिया था, तो आज मैं इस तरह से कर रही हूँ। मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है जिससे मैं वो कर सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो तेज़ हवा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कैमरा बैक तरफ से होल्ड करके यहाँ पे देख सकते हो। अर्शल के पापा को भी दिखा रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी दिख रहा है। तो मैं इसी तरह से आगे पीछे करके ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मुझे नहीं आ रहा था ये करना, पीछे से करती थी तो पूरा लंबा सा हाथ दिखता था। फिर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, तो थोड़ा अच्छा नहीं आया तो भी कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, मैं बिगिनर हूँ, तो आप लोगों को तो पता ही है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी हम कहाँ पहुँच गए, कितना टाइम है हम लोग नहीं पता। जीटी का रास्ता पता है पीके गुरु जी को। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उन लोगों के पीछे पीछे। सो वेल, हम लोग पिछले बार गए थे तो मैप के हिसाब से गए थे, तो ये भैया बोल रहे कि मुझे थोड़ा शॉर्टकट पता है तो वहीं से लेकर जाती हूँ। तो देखते हैं कहाँ थे, फिर मैं देख सकती हूँ आगे पीछे कर रही हूँ। तो कैमरा को पीछे से इन लोगों को भी दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, और बैक का जितना भी व्यू है वो भी दिखा रही हूँ, साथ में अर्शल के पापा को भी दिखा रही हूँ। सो गाइज, अभी मिलती हूँ सीधा जीटी की तरफ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में, लास्ट तक भी ना स्किप करें, देखना मेरा वीडियो, तभी पता चलेगा आपको कि फुल वीडियो में क्या क्या हम लोगों ने किया क्या नहीं किया। सो अगर आप लोग स्किप करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने बीच बीच में क्या किया क्या नहीं। सो लास्ट तक बने रहिएगा। जिसने मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है जो जल्दी से जाके कर दे, और मेरे सारे प्यारे दोस्त जितना भी लोग देखते हैं मुझे यहाँ पे, उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे का, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जीटी। सो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को मिला 3 जीटी, एक जीटी स्क्वायर है, एक जीटी बाज़ार है, एक जीटी क्या तो लिखा हुआ था यहाँ पे, मैं भूल गई। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ बाज़ार है, यहाँ पे एक जीटी बाज़ार करके गेट लगा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सो बच्चे यहाँ पे आने के बाद बहुत खुश हो गया, यहाँ पे देख रहे हो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लिफ्ट में अकेले जाएंगे, तो हम लोग इन लोगों को ऑफकोर्स अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इन लोगों को होल्ड करने के लिए मैंने किया कैमरा को बंद, एंड इन लोगों को हाथ में पकड़ के लेके गई अंदर। सो अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा सा दुकान मिल गया, यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद भैया दे रहा था मुझे हेलमेट, लेकिन मैंने बोला रुको भैया थोड़ा सा वीडियोस बनाने दो, यहाँ बहुत सारा आइटम, मस्त मस्त वाला आइटम था यहाँ पे। एंड मैंने सोचा था यहाँ जीटी के अंदर बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर गए थे, फर्स्ट फ्लोर से अब हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ है जीटी का मेन बाज़ार, जहाँ पे बोलते हैं दुबई बाज़ार, वहाँ पे और सस्ता बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ के अंदर का नहीं बना पाई, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया, फिर मैंने नीचे वाला वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो सीधा आए हम लोग WTP में। आने के बाद हम लोगों को हेलमेट होने की वजह से अंदर जाने नहीं दिया, हेलमेट को रख के आने के लिए बोला। तो फिर हम लोगों ने सोचा यार अंदर तो बार बार जाते हैं, आज बाहर ही बैठ के बहुत सारा रील्स बनाए, बहुत सारा रील्स बनाने के बाद फिर हम लोग आ गए वहाँ से। तो हमें और वर्षा अंदर नहीं गई, ये सब अंदर जाके घूम के आ गए। फिर हम लोग जब तक ये लोग अंदर जा रहे थे रील्स बनाए, हम लोग बाहर फोटोज़ लिए। फिर हम लोग यहाँ से निकल के सीधा पत्रिका गेट के तरफ गए। पत्रिका गेट भी हम लोग पहले घूम चुके थे, तो यहाँ पे हम लोगों का बैठने का कोई मतलब नहीं था। तो बाहर से मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया यहाँ से, और सब लोग पहले ही जा चुके थे तो हम लोग रुके नहीं यहाँ पे पत्रिका गेट पे, जो हम लोगों को मिल गया था रास्ते में। यहाँ से पत्रिका गेट होते होते हम लोग आगे बढ़े, तो आगे हम लोगों को मिला यहाँ पे टोरेन दीवार, यहाँ पे जो अभी नया बना है टोरेन दीवार यहीं पर है। सो यहाँ पर देख सकते हो टोरेन दीवार आगे। सो यहाँ पे देख सकते हो टोरेन दीवार पे काम चल रहा है, कुछ शायद ब्रैकेज वगैरह आ गया होगा या फिर पेंट वगैरह कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, सीधा गए आगे। यहाँ पे टोरेन दीवार जैसे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बोलते हो गार्डन जैसा वो है, बच्चों का खेलने वाला मतलब एक पार्क होता है ना, प्रॉपर पार्क टाइप से है। यहाँ के अंदर हम लोग नहीं गए, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं, इसके बारे में तो इतना पता नहीं। सो अभी हम लोग यहाँ से सीधा आगे जा रहे हैं डिकैथलॉन से हम लोगों को फिर करना था। यहाँ पे हम लोगों ने लेडीज़ लोग जितने भी थे उन सब ने शॉपिंग तो कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं जेंट्स के लिए शॉपिंग करने। तो जेंट्स लोगों ने बोला हम लोगों को डिकैथलॉन से ही लेना है, हम लोग बाहर से नहीं ले रहे। तो सीधा हम लोग यहाँ से जा रहे हैं डिकैथलॉन की तरफ। यहाँ से हम लोगों को डिकैथलॉन जाने में करीब 5 मिनट लग रहा था, तो 5 मिनट राइड करने के बाद हम लोग फिर सीधा पहुँच गए डिकैथलॉन। यहाँ पे देख सकते हो डिकैथलॉन पहुँचने के बाद फिर हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले करना था पार्किंग के लिए हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, आज संडे होने की वजह से पार्किंग में जगह ही नहीं मिल रहा था, तो सब फुल था। तो कैसे भी एडजस्ट करके हम लोग गए अंदर। देखा
भूख लग गया यार, सी ले लो बेटा, ये लो बेटा, क्या कर रहे हो। सो गाइस डिकैथलॉन जाने के बाद हम लोग को कुछ खास मिला नहीं, उससे ज़्यादा भूख लग गए थे, तो हम लोग जल्दी से आके एक रेस्टोरेंट में बैठ लिए, खाना खाए। सो खाना खाते वक्त तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सब जन बहुत भूख लग चुके थे। सुबह हम लोग निकले थे 10-11 बजे, यहाँ पे देख सकते हो अब शाम हो चुका है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो वहाँ खाने के बाद फिर सीधा हम लोग आ गए फाउंटेन स्क्वायर, जहाँ पे ममता को जाना था। ममता और वर्षा पहले नहीं गई थी, हम लोग तो ऑफकोर्स पहले जा चुके हैं, तो ये लोग नहीं गई थी। फिर हम लोग आ गए सीधा फाउंटेन स्क्वायर के तरफ, फिर यहाँ पे आके देखा कि फाउंटेन स्क्वायर में तो वो चल ही नहीं रहा है जो म्यूजिक के साथ चलता था फाउंटेन। तो अभी हम लोगों को लगा है कहीं हम लोग लेट तो नहीं हो गया, हम लोग 7:30 में आ चुके थे, तो यहाँ पे एक दो बूंदे पानी चल रहा था। तो फिर हम लोग जल्दी से भाग के गए और मैंने बोला अर्शद के पापा को कैमरा लेके दिया, फिर बोला हम सबको एकदम से दिखा दो क्योंकि मैं कब से वीडियो बना रही हूँ, मेरा हाथ भी थक चुका है। तो यहाँ पे मैंने इनको दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर में भी आज कोई नहीं था, तो हम लोग गए फ्री यहाँ से निकल के। तो हम लोगों को लगा यार आज टिकट काउंटर में भी कोई नहीं है, शो तो ख़त्म नहीं हो गया करके जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग गए तो थोड़ा बहुत मिल गया शो देखने को। फिर यहाँ पे देख सकते हो हम लोग बोतल को छेद करके लेके आने वाले थे, लेकिन टाइम उतना था नहीं तो नहीं कर पाए। जो अभी ट्रेंडिंग रील्स चल रहा है वो बनाने का बहुत मन था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो 2-3 दिन बाद भी बना सकते हैं, अभी फाउंटेन का मज़ा लेते हैं। फिर यहाँ आके देखा तो जैसे हम लोग आए 2 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गया फाउंटेन। यहाँ पे देख सकते हो इतना अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद ये फाउंटेन जब चलता है गाने के साथ, दो तीन बार चल के 2 मिनट का गैप करके फिर चलाता है, तो ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये फाउंटेन मैंने दुबई में दिखा था, तो अभी यहाँ पे भी आ गया है। उसके बाद हम लोग गए बाहर, बाहर जाने के बाद हम लोगों ने जो फ्रेंडशिप बैंड लिए थे एक दूसरे के लिए वो पहनाया। ऑफ कोर्स हम लोगों ने नहीं लिया था, ये वर्षा ने लिया था। सो वर्षा ने हम लोगों को दिया क्योंकि हम लोगों को तो पहले पता नहीं था पहले दिन कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो आज सुबह सुबह पता चला, तो हम लोगों ने नहीं लिया, तो सिर्फ वर्षा ने लेके आई थी, तो हम लोगों को पहनाया। यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ वीडियोज़ बनाए, यहाँ पर फ़ोटोज़ लिया फ्रेंडशिप बैंड। सो यहाँ पे देख सकते हम लोग वर्षा को नहीं पहना पाए, कोई बात नहीं कभी दूसरे दिन लेके पहना देंगे। अभी हम लोग का फ्रेंडशिप इतना अच्छा है कि हम लोगों को फ्रेंडशिप दे के कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे इंजॉय यहाँ से हम लोग आ गए सीधा घर के तरफ। तो घर के तरफ आते आते हम लोगों को जाना था बेकरी शॉप, जहाँ से हम लोगों को लेना था केक, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। आप इतना कुछ घूम लिया कर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया है, तो आप थोड़ा सा केक भी काट लेते हैं करके। फिर उसके बाद हम लोग आ गए सीधा घर। एक दूसरे को मैं निकल के दे रही हूं, जाओ ना आप, निकल के जाओ ना, पकड़ो ना, आप अच्छा आएगा, खाओ चलो खिलाओ, खिलाओ ये वाह टेस्टी रियांस, खिला खिला वो उसको, खिला हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मेरा भी शीर निकालना। देखो हम लोग आ रहे हैं ना, देखो वो गोया भी है। चलो
मैंने देखा उन लोगों को लगाया नहीं, एकदम प्यार से किया, देखो मुझे कैसे कर दिया। क्या हूँ सो गाइस, हम लोगों का फ्रेंडशिप डे ऐसे बीता। सो आप लोगों का कैसा बीता कमेंट करके बताना। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, सी यू सून। बाय।